दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ हमारी मशीन में जो सुई का गज, देखिए ये वाला गज जो है ऊपर नीचे जब होने लगता है तो इसमें क्या कमी आ जाती है वो मैं इस मशीन के अंदर बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले एक पेंच ये है, दूसरा पेंच ये है, दोनों पेंच को खोल के हमें फटाफट मत्था को निकाल लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कमी होती है। तो देखिए ये जो है हमारा जेड है और इस जेड को खुलने के बाद हमारा सुई का गज जो है मशीन का वो ऊपर नीचे होने लगता है, वो भी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से होने लगता है। तो इसकी सेटिंग मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले जो मैं आपको एक बार बाहर सिखा दूं, देखिए ये है जेड और जो इस मशीन में लूज हो गया है, तो इसकी सेटिंग जो है सबसे पहले मैं बाहर सिखाऊँगा आपको। तो मैं सबसे पहले बाहर बता दूँ आपको, देखिए ये वाला जो कट है इसमें जो है हमारा ये वाला पेंच सेट होता है, तो इसकी सेटिंग जो है मैं इस मशीन के अंदर समझाऊंगा। तो इसको जो है मैं रख देता हूं और आइए मैं बताता हूं। तो एक बार जो है मैं आपको एक बार और चला के दिखा दूं, देखिए कि किस तरीके से हिल रहा है, देखिए इस तरीके से हिल रहा है और इसको क्या करना है। तो हमें मशीन को जो है हमें इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद एक ले लेना है हमें पेचकस। और देखिए ये जो हॉल है, इस हॉल में जो है मैं आपको दिखा दूँ कि कौन सा पेंच आपको टाइट करना है और कौन सा जो है नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको पहचान करा दूँ, देखिए ये जो है हमारा पेंच है इसे हमें टाइट करना है और ये देखिए इसे भी हमें टाइट करना है मगर इसे हम बाद में करेंगे टाइट, इसे हमें अभी नहीं करना है टाइट, इसको हमें बाद में करना है, इसको पहले करना है। और उससे पहले जो है मैं आपको जो है पहचान करा दूँ इस पेंच की कि इस पेंच की पहचान क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है लट्टू का हमारा सबसे बड़ा पेंच है और उसके बाद जब मशीन को हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये जो फर्स्ट में आता है ये पेंच, यही पेंच वो है जो जेड के खांचे में सेट होता है। तो फटाफट से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें कि टाइट हो पाया या नहीं हो पाया। तो देखिए मैंने इसको टाइट कर लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि ये टाइट हुआ है या नहीं हुआ। देखिए ये जो है टाइट हो गया है, जब आपको लगे कि इस तरीके से जब आप हिलाएंगे और आपको लगेगा ये टाइट हो गया है तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फटाफट से उसी तरीके से फिर मशीन रख लेना है और रखने के बाद जो है हमें क्या करना है, उसी पेंच को फटाफट से टाइट कर देना है। तो देखिए ये हमारा हो गया पेंच टाइट। अब उसके बाद देखिए ये पेंच तो हमारा हो गया टाइट, अब इसे हमें कुछ नहीं करना है। और ये देखिए दूसरा वाला पेंच, तो अब जो है हमें इसको टाइट करना है। तो फटाफट से आइए मैं इसको टाइट कर लेता हूँ और टाइट करने के बाद फिर बताता हूँ इसमें क्या है दिक्कत। तो देखिए अब जो है मैं इसको हिला के दिख रहा हूँ ताकत लगा के और ये देखिए नहीं हिल रहा है। तो ये हमारा हो गया है सेट। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसके जो है अंदर की सेटिंग, अंदर की सेटिंग क्या है, इसके सुई के गज की सेटिंग और सेटल की सेटिंग। तो उसके लिए जो है आप हमारे दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा जेट सेट हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगर आपको भी दिक्कत हो तो आप भी इसी तरीके से सेट कर लें।